ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर आपको हरदा से बता रहे हैं, जहां सुतली बम की एक बड़ी खेप यहां पर मिली। देखिए हरदा जहां पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था बैरागढ़ गांव में, और उसके बाद रेलवे ट्रैक के बाजू में ये बम की बड़ी खेप मिली है। 70 से 75 बोरी सुतली बम यहां फेंके गए हैं। बम की बोरियों को जब्त कर लिया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। देखिए इतनी बड़ी तादाद में ये सुतली बम यहां पर फेंके गए हैं, इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? ये खराब है क्योंकि बारूद तो इसमें खराब होने के बावजूद भी है ही, तो क्या कारण कि यहाँ पर किसने फेंका होगा, ये सब जांच का विषय है। हालांकि हरदा जो पहले से ही सेंसिटिव जोन है, सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद लगातार अभी मलबा हटाने का काम ही चल रहा था, और आसपास के घर भी चपेट में आए थे क्योंकि वहां पर भी बारूद था। या हो सकता है जैसे ही आग लगी हो तो लोगों ने अपने घरों में जो भी पटाखे या बारूद हो उसको कहीं फेंकना या कहीं और दूसरी जगह लेकर जाना सही समझाओ, ये सब जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये बड़ी खेप, क्योंकि 70 से 75 बोरियां हैं सुतली बम की, तो ये काफी गंभीर मामला है कि ये किसने आखिर फेंका यहाँ पर या किसने रख कर गया। जफर हमारे साथ जुड़े हुए। जफर, बड़ी खेप सुतली बम की मिली है, पुलिस का क्या कुछ इस पर कहना है, क्या आशंका जताई जा रही है? गीतारो जी, आपको बता दूं कि जो हरदा में फटाखा फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद से प्रशासन, उसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जो आदेश हुए हैं कि लगातार जो है तो कार्रवाई की जाए और ऐसी जगह पर सर्चिंग की जाए, तो प्रशासन द्वारा लगातार जो तो लोगों के घर में जैसे सूचना मिली थी फटाखा बनाने की शाम होने की, तो लोगों प्रशासन लगातार जो है तो दबिश दिया, कल दबिश भी दिया। दबिश में जो है तो कुछ घरों में फटाखा की जो है तो सामग्री और फटाखा जो सुतली बम होते हैं वो वहां मिले हैं। तो इसके बाद जो है तो कुछ लोग जो है तो डर के मारे अब जो है तो लगातार जो है तो फटाखे जो है तो बाहर भी अब मिल रहे हैं। सिराली में भी कल अगर आपने घटना निकटी कि नगर पालिका की गाड़ी से जो है तो फटाखों जो सुतली बम है उसको नहर में बहा दिया गया। आज सुबह भी जो है तो रेलवे ट्रैक के जस्ट करीब जो हादसा, जो फटाखा फैक्ट्री में हादसा हुआ था उससे मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर फिर से 70 से 75 बोरी में जो है तो सुतली बम जो है तो भरे हुए मिले हैं। और जैसे ही ट्रैकमैन वहां पर जो है तो ट्रैकमैन था रेलवे का, उसने जो जब इसको देखा तुरंत जो है तो अपने उच्चाधिकारी को सूचना दी, और उसके बाद जो है तो उच्चाधिकारी ने सिटी पुलिस को सूचना दी, उसके बाद जो है तो मौके पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र की जो पुलिस है उसके अंतर्गत ये पूरा मामला आता है, तो वो वहां पहुंची और जो बोरी है उनको पूरा जब्त कर 70 से 75 बोरी है उनको जो पूरी बमों से भरी हुई थी उनको जब्त कर जो है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि 70 से 75 बोरी जो है तो वहां मौजूद है, और वो जो रेलवे ट्रैक है दिल्ली से मुंबई की ओर जाने वाला जो सबसे व्यस्त रेलवे ट्रैक है उसके जस्ट बाजू में ये बोरियां मिली है। अगर कुछ घटना घटती तो ये समझ ले, कुछ घटना घटती तो कुछ अपनी बड़ी घटना वहां पर हो सकती थी। पारुल जी, बिल्कुल, ऐसे में जाहिर है कि सही समय पर इस तरह से जो यहाँ पर बोरियाँ फेंकी गई थी ये मिल गई हैं पुलिस को, सिविल लाइन थाना क्षेत्र में। अब ऐसे इस पूरे मामले को सिविल लाइन थाना क्षेत्र देख रहा है। बहुत शुक्रिया जफर जानकारी के लिए। लेकिन 70 से 75 बोरियाँ सुतली बम यहाँ पर फेंके गए थे, और हाल ही में यहाँ कितनी बड़ी घटना हुई है ये किसी से छुपी नहीं है, जिसने पूरे देश को फैला कर रख दिया, क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में जो फैक्ट्री है उसमें ब्लास्ट हुआ था, और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर बारूद था, और उसके बाद मौत का आंकड़ा भी बड़ा था, घायलों की संख्या भी बड़ी थी, और लगातार हम देख रहे थे पुलिस प्रशासन, खुद मुख्यमंत्री इस पर नज़र बनाए हुए थे। और अब ये जो बोरियां हैं सिविल लाइन थाना क्षेत्र की पुलिस ने कब्जे में ले ली हैं, आगे इस पर जाँच की जाएगी कि कहाँ से आई, क्यों फेंकी गई।